We'll take some questions relating to the cabinet decisions over to Honorable Minister Sir first. नमस्कार मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का तो ऐतिहासिक दौरा अमेरिका का और इजिप्ट का रहा है, उस पर सभी माननीय मंत्रियों ने उनका धन्यवाद भी किया। और ये भी उल्लेखनीय है कि पहली बार 75 वर्षों में किसी भारत के प्रधानमंत्री को दूसरी बार यूएस कांग्रेस को संबोधित करने का अवसर मिला। और जो सामने से उनके भाषण के दौरान एक नहीं अनेकों बार स्टैंडिंग ओवेशन हो, तालियां बजाकर अभिनंदन हो, और दौरे की शुरुआत ही जहां एक और 135 से ज्यादा देशों के प्रतिभागिता के साथ उनके अधिकारियों के या प्रतिनिधियों के द्वारा योग दिवस पर शामिल होकर एक नेशनल अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया। यह अपने आप में दिखाता है योग की स्वीकार्यता भी कैसे हुई, भारत के नेतृत्व की भी स्वीकार्यता पूरी दुनिया भर में। ज्यादातर देखा जाए तो स्टेट विजिट की भी अगर किसी की हो तो मुश्किल से एक दिन या कुछ प्रोग्राम्स में ही यूएस के राष्ट्रपति रहते हैं, यहां तो तीनों दिन किसी ना किसी रूप में यूएस के राष्ट्रपति भी साथ में रहे। और यही नहीं, जो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज के सीईओज भी उनसे अलग अलग बैठकों में जुड़े और भारत में निवेश करने के लिए, सारी जानकारी आपके सामने है। ये सब मैं इसलिए रख रहा हूं आज बात कि कैबिनेट के हमारे सभी साथियों ने जहां एक और प्रधानमंत्री जी को बधाई दी, उनका आभार भी प्रकट किया कि जो नेतृत्व उन्होंने देश को दिया है, आज भारत की ओर दुनिया बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। अब जो निर्णय हमने आज की बैठक में हुए, उसमें पहला अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा गया और किसानों को लेकर प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए। और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से, सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन देने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, इन सबको उचित प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपए प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है। 2013-14 में कुल प्रोक्योरमेंट हुई थी तो 57,104 करोड़ रुपए की हुई थी, जबकि 2022-23 में ये 1,13,000 करोड़ के लगभग हुई। अगर मैं यूपीए के कालखंड की बात करूं, अगर 2004 से 14 की, तो कुल मिलाकर 2,71,204 करोड़ रुपए की खरीद हुई वैल्यू जो है उसकी, और 2014 से 2023 तक 7,46,066 करोड़ रुपए खरीद में हुए। आपको याद होगा उस समय के अगर परिदृश्य आप देखें, गन्ना किसानों को सड़कों पर रोक लगानी पड़ती थी, नेशनल हाईवे जाम रहते थे, पैसों का भुगतान नहीं होता था।
लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे, पूरा भुगतान किसानों को किया गया है। अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करूं तो 99.8% 99.7% इस तरह से भुगतान हुआ है, और जो बैकलॉग था वो भी क्लियर किया गया। इसका सबसे बड़ा अगर आप उदाहरण देखें तो कहां फर्क पड़ा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एथेनॉल को हम अपने क्रूड ऑयल के साथ मिक्स करके पेट्रोल डीजल इसके लिए, तो वहां पर अब ये 10% से ज्यादा हो गया है। अब एथेनॉल के लिए जो रिक्वायरमेंट हमारे गन्ने की है उसके लिए पिछले साल 20,500 करोड़ रुपए का भुगतान डिस्टिलरीज के द्वारा किया गया है, डिस्टिलरीज को किया गया है, शुगर मिल्स को किया गया है। इससे पता चलता है कि अब उनके पास नकद ज्यादा है, पहले उनको स्टॉक रखना पड़ता था और किसानों को पैसा नहीं देते थे। आज ये फायदा हुआ है कि जहां एक और आत्मनिर्भरता को बल मिला है, फॉरेन एक्सचेंज कम खर्च हुआ, उतना क्रूड ऑयल हमें कम मंगवाना पड़ता है, और एथेनॉल सेक्टर के ग्रोथ को भी इससे बल मिला है। शुगर केन अगर हम देखें तो इसको भी शुगर मिल के द्वारा लगभग 3,353 लाख टन गन्ने की खरीद 2022-23 में की गई और उस पर कुल लागत 1,11,366 करोड़ रुपए हुए। तो मैं ये बदलाव जो भारत सरकार के कारण आया है, समय पर मूल्य भी निर्धारित किए, एथेनॉल के क्षेत्र को बल भी दिया, शुगर मिल्स के पास पैसा ज्यादा इन हैंड रहा, और हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्योंकि उतना स्टॉक अप गन्ने का नहीं रखना पड़ता तो उसमें भी सुधार हुआ है। दूसरा निर्णय जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देने का काम किया है, लेकिन वहीं पर उम्मीदें भी भारत से बड़ी हैं। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना का निर्णय, अब इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा, और जो हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 है उसको रिपील किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, तो अनुसंधान की जब बात आती तो रिसर्च को बल देने के लिए आज मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसमें फाउंडेशन के गतिविधियों को हाई लेवल पर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देने के लिए 15 से 25 एमिनेंट रिसर्चर्स और प्रोफेशनल इसके गवर्निंग बोर्ड के सदस्य होंगे, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाएगा और रिसर्च प्रपोजल्स को एवेल्युएट करके उसकी फंडिंग के लिए अनुमति दी जाएगी, निर्णय किया जाएगा। एनआरएफ द्वारा इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फेलोशिप्स आदि की फंडिंग की जाएगी। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप साइंस बेस्ड सॉल्यूशन उपलब्ध कराए जा सके। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि रिसर्च के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग देश की प्राथमिकताओं वाले फ्रंटियर, स्ट्रैटेजिक तथा हाई इंपैक्ट क्षेत्रों में शोध के लिए हो, तो नीड बेस्ड रिसर्च हो, उसको बल मिलेगा, जो हमारी प्राथमिकता है उसको बल दिया जाएगा। और एनआरएफ के पास हम इस पे कितना पैसा खर्च करने वाले, 2023-24 से लेके वित्तीय वर्ष 2027-28 तक कुल 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, बाकी 36,000 करोड़ रुपये की राशि जो है वो हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में इंडस्ट्री के द्वारा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के द्वारा, फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, फाउंडेशंस और इंटरनेशनल बॉडीज से मोबिलाइज की जाएगी। तो इसमें जहां एक जन भागीदारी की हम बात करते हैं और स्टेक होल्डर्स की भागीदारी की बात करते हैं उसको भी बल मिलेगा, और एनआरएफ द्वारा
जो बजट में दी गई राशि में 1000 करोड़ पे से जो इनोवेशन फंड स्थापित किया जाएगा, इस फंड में प्राइवेट सेक्टर से मोबिलाइज की गई राशि गवर्नमेंट के शेयर से 3.5 गुना ज्यादा होगी। सो प्राइवेट सेक्टर से जुटाई गई ये जो राशि है, ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशन से अधिक होने पर इनोवेशन फंड अपने फाइनेंशियल रूल्स बना सकेगा। सो इससे इसको स्वायत्तता भी ज्यादा होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी, जो इससे अच्छे परिणाम भी आएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना से यूनिवर्सिटीज तथा हमारे इंस्टीट्यूशन में रिसर्च का व्यापक स्तर पर विस्तार हो सकेगा। रिसर्च को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण टेक्नो इकोनॉमिक एवं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उपलब्ध कराने की दिशा में अलाइन किया जा सकेगा। तो मित्रों, ये आज वर्तमान और भविष्य के लिए एक ऐसा निर्णय किया गया है जिससे हमारी रिसर्च को भी बल मिलेगा और जो हमारी स्टार्टअप्स जिन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बना, 107 के लगभग यूनिकॉर्न्स बनी, 1,00,000 के लगभग हमारे पास स्टार्टअप्स हैं। जब ये शोध इतना होगा तो इसका फायदा इंडस्ट्री को भी मिलने वाला है और जब कॉन्ट्रीब्यूशन 14,000 करोड़ भारत सरकार की होगी और 36,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर से, इंडस्ट्री से, फॉरेन इंस्टीट्यूट से या बाकी सबसे आएगा, तो अपने आप ही इसमें से बल हमारी इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को, सबको मिलने वाला है और रिसर्च के क्षेत्र में भारत और ऊंचाइयों पर जाएगा। इसके अलावा कुछ और बड़े निर्णय किए गए हैं, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मनसुख भाई से कि उससे आप सबको अवगत करवाएं। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई CCA की मीटिंग में किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, उसमें से एक निर्णय यहाँ आपके सामने रखा जिसमें गन्ना किसानों को प्राइस ज्यादा मिलेगी। उसके अलावा मोदी जी ने आज किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम जो 2025 तक यानी कि 22-23-24 और 24-25 तीन साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। दूसरी महत्व की जो कंपोनेंट है वो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इज पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जो आज तक फर्टिलाइजर सेक्टर सामान्यतः इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए फर्टिलाइजर का सस्टेनेबल यूज करने के लिए बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना के तहत जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को वो जो सब्सिडी बचती है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट 1,00,000 मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है लेकिन उन्होंने अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज किया और केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज 3,00,000 मेट्रिक टन कम किया, तो 3,00,000 मेट्रिक टन कम होने से उसमें से बचने वाली 3,000 करोड़ की सब्सिडी में से 1,500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी ताकि ये राशि का उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे या तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी उसका उपयोग कर सके। उस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना
अनबैलेंस फर्टिलाइजर को रोकने के लिए है, आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइजर यूज करने के लिए है, अल्टरनेट फर्टिलाइजर को प्रोत्साहित करने के लिए है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, यहां जो फिगर दिया गया है वो पंजाब का फिगर दिया गया है, एक एग्जाम्पल के तौर के आपके सामने फिगर रखा है। देखो ये फिगर बताता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये फिगर है, 2017-18 में 178 लाख मेट्रिक टन वीट का प्रोडक्शन हुआ था, 21-22 में वो प्रोडक्शन कम होकर 149 लाख हो गया, यानी कि वो 16% रिड्यूस हुआ, 16% यील्ड कम हुई, फर्टिलाइजर का कंजप्शन 10% बढ़ा। देखो लास्ट फिगर में आप देख पाएंगे, फर्टिलाइजर का कंजप्शन 10% बढ़ा, प्रोडक्शन कम हुआ और उसके साथ पर हेक्टर यील्ड, पर केजी पर हेक्टर यील्ड भी टेंटेटिव 70% कम हुई। तो भारत सरकार का प्रयास है धरती माता को बचाने के लिए, केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज कम करने के लिए एक बड़ी मुहिम देश में चलाई जा रही है, प्राकृतिक खेती की ओर लोगों को रुचि बढ़े उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, नैनो यूरिया की ओर लोगों की रुचि बढ़े उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, अभी नया यूरिया भी एक पैकेज का भाग है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पीएम प्रणाम के द्वारा राज्य सरकार को फर्टिलाइजर की बचत के जो सब्सिडी बचेगी वो राज्य सरकार को पास ऑन की जाएगी। तीसरी ऐसा ही एक कंपोनेंट है, ऐसा पार्ट है जो ये पैकेज का पार्ट है, वन यूरिया फर्टिलाइजर की सब्सिडी को एक्सटेंड करना, टू जो राज्य केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग कम करे उसको मदद करने के लिए जो सब्सिडी बचेगी वो राज्य को इंसेंटिव के रूप में, मदद के रूप में दी जाएगी, वो राज्य के हित का विषय है। तीसरा है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, यानी कि हम गोवर्धन योजना के तहत देश में एनिमल डंग्स ऑर्गेनिक वेस्ट का उपयोग करके बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं तब स्लरी निकलती है, स्लरी इट्स वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ऑर्गेनिक मैन्योर मार्केट में बेचने के लिए उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने वाले यानी कि गोवर्धन स्कीम चलाने वाले प्लांट को सस्टेन करने के लिए ऐसे प्लांट और देश में बने और विकसे, उसमें से ग्रीन ग्रेस पैदा हो और उसमें से निकला हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को फॉस्फेट रिच करके मार्केट में बेचने के लिए प्रति मैट्रिक टन 1500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, उसके लिए 3 साल के लिए 1451 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, उसके द्वारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा मिलेगा, हमारा गोवर्धन प्लांट है वो सस्टेन हो जाएगा और आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की ओर से ऐसा नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट लगा के देश में रिन्यूअल ऊर्जा को भी प्रोत्साहित की जाएगी और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर भी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। और इस पैकेज का चौथा प्रावधान है सल्फर कोटेड यूरिया। सल्फर कोटेड यूरिया आपने देखा होगा 67 ईयर तक देश में केवल यूरिया, डीएपी और एनपीके तीन ही फर्टिलाइजर था और ये फर्टिलाइजर अल्टरनेट फर्टिलाइजर की ओर किसानों को प्रोत्साहित करना, देश में अल्टरनेट फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग होना, उसको परमिशन मिलना, ये प्रोसीजर शायद रुकी हुई थी, उसके ऊपर जो एफर्ट होना था होता ही नहीं था। मोदी गवर्नमेंट ने ये प्रयास किया कि देश में यूरिया की किल्लत हो गई तो बाद में लोगों को रोड पे आने की आवश्यकता नहीं है, उसको अल्टरनेट यूरिया मिलना चाहिए, अच्छा यूरिया मिलना चाहिए, उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता है फसल को तो उसको नाइट्रोजन मिलना चाहिए, तो ये नाइट्रोजन अल्टरनेट सोर्स से भी मिल सकता है। कौन से सोर्स से नाइट्रोजन मिले उसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो आपने देखा होगा ये स्लाइड में, पहले तो
कन्वेंशनल यूरिया चलता था। कन्वेंशनल यूरिया यानी कि यूरिया जो हम डालते हैं उसका एब्सोर्ब की क्षमता, गलन क्षमता और पौधा उसको उपयोग कर पाए, फसल उसको उपयोग कर पाए, वो 30% था, यानी कि 40% से कम था। तो बाद में मोदी जी ने नीम कोटिंग किया। नीम कोटिंग करने से उसकी गलन क्षमता थोड़ी धीमी हो गई, यानी कि थोड़ा स्लो रिलीज हुआ, तो उसका उपयोग 40 से 50% नाइट्रोजन फसल उपयोग करे, ऐसी व्यवस्था हुई। फिर उसमें आगे रिसर्च करने की आवश्यकता लगी। दोस्तों, हिंदुस्तान विश्व का पहला देश बना जिन्होंने नैनो यूरिया बना लिया। आज सारी दुनिया में नैनो यूरिया की डिमांड है। नैनो यूरिया यानी कि एक बैग यूरिया इक्वेलेंट एक 500 ml बोतल, 500 ml बोतल को वाटर में सोल्यूबल करके स्प्रे करने से वो एक बैग यूरिया के बराबर हो जाता है। उसका प्रचार प्रसार देश में बहुत हुआ और किसानों ने नैनो यूरिया को एक्सेप्ट कर लिया। आज बड़ी मात्रा में नैनो यूरिया का यूज हो रहा है और नैनो यूरिया की एब्सॉर्ब पावर यानी कि जो नैनो यूरिया हम स्प्रे करते हैं 80% फसल के उपयोग में आ जाते हैं। कन्वेंशनल यूरिया 30%, नैनो यूरिया 80% जो फसल में फसल को जरूरी नाइट्रोजन है उसमें से 80% नाइट्रोजन वो स्प्रे किया हुआ नैनो यूरिया से ले लेता है। उससे सोइल बचती है, कन्वेंशनल यूरिया का कंजप्शन कम होता है। अल्टीमेटली फूड ग्रेन्स में केमिकल्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग या तो जाने से स्वाभाविक तौर पर, कई ऐसी वैश्विक स्टडी और देश की भी स्टडी बताती है कि उसमें लोगों की हेल्थ पर साइड इफेक्ट हो सकती है। एक कैसे हम कम करें, इसलिए नैनो यूरिया का भी उपयोग बढ़ा और आज के दिन में ये पैकेज का चौथा प्रावधान है सल्फर कोटेड यूरिया। सल्फर कोटेड यूरिया यानी कि जो यूरिया है, यूरिया बनता है उसमें सल्फर डाला जाएगा। हमारी मिट्टी में सल्फर की पहले से, हिंदुस्तान की मिट्टी में सल्फर की पहले से कमी है, तो ये कमी को पूरी करने के लिए हमें सल्फर कोटेड यूरिया का यूज करने से उसकी गलन क्षमता धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा स्लो रिलीजिंग 78% फसल के उपयोग में आएगा और जब कोई फसल है उसको न्यूट्रिएंट लेने के योग्य बनाने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है, तो सल्फर भी उससे मिलेगा तो हमारी यील्ड भी बढ़ेगी, उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और हमारे किसान की फसल अच्छी होगी, उसकी यील्ड बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी। तो आज कुल मिला के चार प्रावधान के तहत एक पैकेज के रूप में अगले 3 साल में 3,70,000 करोड़ रुपया हम किसान के हित में खर्च करेंगे। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, मोदी गवर्नमेंट किसान के लिए हर संभव सहयोग करती रही है। एमएसपी बढ़ाने की आवश्यकता हो, एमएसपी बढ़ी। फर्टिलाइजर की प्राइस आपने देखा होगा, लास्ट ईयर जब कोविड क्राइसिस हुई, पोर्ट बंद थे, दुनिया में फर्टिलाइजर प्लांट बंद थे और प्राइस एकदम हाइक हो गई, $950 प्रति एक मैट्रिक टन डीएपी का हो गया, जो सामान्यतः 300-350 होता है। एक बैग यूरिया की प्राइस 3500 हो गई, जो सामान्यतः 2000 अंदर होती है। ऐसी स्थिति में देश में फर्टिलाइजर की कमी ना रहे और फर्टिलाइजर का बजट में प्रावधान तो 1,50,000 था, लेकिन आवश्यकता हुई तो 1,00,000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान करके या तो बजट बढ़ा के 2,54,000 करोड़ रुपया केवल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी, लेकिन किसान के जेब में भारण नहीं आने दिया, यानी कि किसान पर सब्सिडी का बोझ नहीं आने दिया। ये स्लाइड से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि सरकार की और भारत सरकार की प्रतिबद्धता, यानी कि किसान के प्रति मोदी सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो ये स्लाइड से आपको पता चलेगा। आप फर्टिलाइजर के बारे में देखें तो लास्ट ईयर 2,54,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी गई। हमारे यहाँ 12 करोड़ किसान है और 12 करोड़ किसान पर फार्मर्स हम देखें, पर किसान देखें और हम हिसाब किताब करें तो 21,000 रुपया एक किसान के पीछे सब
फर्टिलाइजर सब्सिडी के पीछे भारत सरकार ने खर्च किया, लेकिन किसान के जेब पर भार नहीं आने दिया। और हम पर एकड़ देखें तो एक एकड़ के हिसाब से 7,313 रुपया फर्टिलाइजर पीछे सब्सिडी दी। और दूसरा, हमने लगातार एमएसपी बढ़ाई। एमएसपी के लिए आंदोलन करने वाले लोग रोड पे निकलते हैं, जिसके समय में एमएसपी नहीं बढ़ी थी। हमने स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन का इंप्लीमेंटेशन किया और डे बाय डे एमएसपी बढ़ाई। एमएसपी की ओर से 2,72,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया गया, और उससे हम उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो स्कीम चल रही है किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के तहत 1,01,000 करोड़ रुपया मुहैया कराया गया। किसान के डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा उसके अकाउंट में डाला गया। उसके अलावा पीएसएफ फंड होता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम होती है। सभी को हम इकट्ठा करें तो मैं आपको बताऊंगा कि कुल मिला के एक वर्ष में, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, एक वर्ष में 6,30,000 करोड़ रुपया एक वर्ष में किसानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष फर्टिलाइजर के रूप में, एमएसपी के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में, अलग 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 स्वरूप से किसानों को लाभ के रूप में दिया गया। और हम उसको 12 करोड़ किसान के सापेक्ष में उसको देखें तो प्रति एक किसान को सरकार की ओर से दिया गया लाभ के रूप में, सहाय के रूप में 50,000 रुपया से अधिक जाता है। एक किसान के लिए 50,000 रुपया से अधिक जाता है। सीधा हिसाब है, 6,00,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ फार्मर्स मल्टीप्लाई 5, मतलब 50,000। तो 50,000 रुपया एक किसान पर भारत सरकार ने प्रत्यक्ष या परोक्ष किसानों को सहायता की है, ये हमारे संज्ञान में होना चाहिए। और हम एक एकड़ के रूप में देखें तो एक एकड़ पर 18,000 रुपया किसान को भारत सरकार ने, सीधा भारत सरकार ने, उसके अलावा राज्य सरकार भी कोई सहायता करती होगी, मोदी गवर्नमेंट प्रो किसान है, प्रो पुअर्स है, प्रो फार्मर्स एंड प्रो पुअर्स हमारी सरकार की आइडेंटिटी है। हम केवल बात नहीं करते हैं, हम समय आते हैं तो किसान को कैसे सम्मानित करना, किसान सम्मान निधि, हम कोई सहाय निधि नाम नहीं रखा है। हमारा किसान फसल पैदा करके धन धान्य पैदा करते हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी को अश्योर करते हैं, और इसलिए किसान को जो मदद करते हैं वो कोई सहाय के रूप में नहीं, सम्मान के रूप में हम मदद करते हैं। मैं आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में, भविष्य में भी किसान अश्योर रहे, सब्सिडी के लिए भी अश्योर रहे, उसके लिए 3 साल के लिए 3,70,000 करोड़ रुपीज का पैकेज दे के किसान का सबसे बड़ा सम्मान किया गया है। और हमारे किसान अपने जोश से फसल उगाए और देश का पेट भरे, उसके लिए उसका सम्मान किया गया है। धन्यवाद। थैंक यू सर। फर्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक ऑन द एनआरएफ एंड एफआरपी ऑन शुगर केन, देन द थर्ड इज ऑन द